पांच बंदरों को एक पिंजरे में रखा गया और साथ में एक सीढ़ी थी जिसके ऊपर कुछ केले रख दिए गए। कुछ टाइम गुजरा और भूख ने सताया तो एक बंदर ऊपर चढ़ा के केले खाए, मगर जैसे ही वो ऊपर चढ़ा एक्सपेरिमेंटर ने नीचे वाले बंदरों पर ठंडा पानी डालना शुरू कर दिया। पानी पड़ते ही वो शोर मचाने लगे। शोर सुनकर ऊपर जाने वाला बंदर भी घबरा कर नीचे आ गया। जब 5-7 बार ऐसा ही हुआ तो सब बंदर समझ गए कि वॉटर कम्स व्हेनेवर वी गो अप। अब भूख के सताने पर जैसे ही कोई बंदर ऊपर जाने लगता, नीचे वाला खुद ही उसे वापस खींच लाता और मारना शुरू कर देते, ऊपर ना चढ़ने देते। आफ्टर फ्यू आवर्स इनमें से एक बंदर निकाल कर एक नया बंदर डाला गया। उसने आते ही पहला काम ये किया कि ऊपर चढ़े और केले खाए, मगर जैसे ही वो ऊपर चढ़ने लगा, बाकी बंदरों ने उसे वापस खींचा और मारना शुरू कर दिया। वो परेशान तो हुआ, मगर क्या करता, चुपचाप कोने में जा बैठा और देखता रहा कि जब भी कोई ऊपर जाता इसे मारा जाता है। कुछ देर बाद एक और बंदर निकाल कर नया बंदर डाल दिया गया। उसने भी आते ही ऊपर चढ़ना चाहा तो उसके साथ भी यही हशर हुआ। बट नाउ इट वॉज एन इंटरेस्टिंग सीन कि मारने वाले में वो नया बंदर भी शामिल था जिसने पानी वाला मंजर कभी ना देखा था। यूं ही एक एक करके सब बंदर तब्दील कर दिए गए, मगर मामला वही रहा कि जब भी कोई बंदर ऊपर चढ़ता उसे नीचे खींचकर मारना शुरू कर दिया जाता। हालांकि इन नए बंदरों को मालूम तक नहीं था कि ये काम क्यों शुरू किया गया था। हम भी यही करते हैं और रीजन सिर्फ एक ही होता है कि वी हैव सीन अदर्स टू डू द सेम। इवन दो वी ऑल नो दैट जस्ट बिकॉज समथिंग इज ट्रेडिशनल इज नो रीजन टू डू इट, बट स्टिल वी आर डूइंग इट। हमारे मुआशरे में बहुत से ऐसे रस्मों रिवाज फिक्स हो गए हैं जिनका फाइनल एंड बिगेस्ट आर्गुमेंट यही होता है कि हमने दूसरों को देखा है, जबकि उनका कुरान हदीस या बुजुर्गाने दीन की तालीम में कहीं जिक्र नहीं होता। हालांकि हमारे लिए तो रोल मॉडल यही है। एज मुस्लिम वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस के हम जिस रास्ते पर चलें वी हैव टू कन्फर्म कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अनजाने में खुदा और रसूल के मुखालिफ रास्ते पर चल रहा हूँ। थोड़ा सा सोचिए कि जमाने के रस्म और रिवाज और ये सोच के कि लोग क्या कहेंगे, अपनी दुनिया और आखरत को खराब ना कीजिए।